सबने मुझे पहले ही दिन से इतना ज्यादा प्यार दिया और मुझे ऐसे फील ही नहीं हुआ कि मैं इनको पहली बार मिल रहा हूँ. इट वॉज सच अ ग्रेट फीलिंग. मुझे ऐसा लगा कि ये एक्चुअली में मेरा परिवार है और ये सारा क्रेडिट इनके ऊपर जाता है. मैं तो नया नया हूँ. अब ये मुझे कितना कंफर्टेबल और कितना अच्छा महसूस कराते हैं ये तो मुझे पहले दिन ही समझ में आ गया. तो वैसे इन्होंने मुझे कुछ कुछ लोगों ने खाने पीने के ऑर्डर दे दिए हैं क्योंकि मेरे घर के आसपास कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं तो सबने लिखा दिया कि ये लेकर आना. बस टाइम टू टाइम मेंटेनेंस, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस देते रहना. जैसे वो होता है ना कि थोड़ी रैगिंग होती है बट सोसाइटी का मेंटेनेंस देते रहना. सोसाइटी ये है हमारा नया मेहतूस. ये जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं. हमने अभी कुछ दिनों साथ काम किया है तो पता चल रहा है. बस ऐसे ही साथ निभाएंगे सालों दर साल. बाबूजी का आशीर्वाद. हाँ हाँ वो तो है ही, वो तो है ही. और अभी जैसे आसिफ भाई ने आप सबसे कहा कि नए नए किरदार आने वाले हैं तो उसमें सबसे अहम जो है वो मिसेस पोपटलाल. हाँ. ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को. और अब तो वही बात तो है. हाँ, ये हंस रहा है लगा मुझे ऐसा. और हमारा पुरुष मंडल जो है कुछ दिनों से थोड़ा सा अब्दुल शॉप के खास करके हम जब मिलते थे रोज शाम को अब्दुल की दुकान पर तो थोड़ा अकेला महसूस करते थे. तो अब हमारे मेहता साहब अपने काम से लौट आए वापस आ गए हैं तो बड़े मजे करेंगे और बहुत अच्छी बहुत पॉजिटिव फीलिंग के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. और इसी तरह से आप सबसे ये वादा है कि जैसे आपको हंसाते रहे थे उसी तरह हंसाते रहेंगे. और जैसे आसिफ भाई ने और सचिन जी ने कहा देखते रहिए हमारा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा.